बाढ़। बुधवार को अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज मोड़ के पास NH 31 पर ही रिक्शा एवं ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने जख्मी लोगों को बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चारों का इलाज जारी है। बताया जाता है कि ई रिक्शा स्टेशन के तरफ से आ रही थी, जिसका ड्राइवर नशे में था और वह नियमित तरीके से ई रिक्शा चला रहा था, जिसकी वजह से विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई और ई रिक्शा चालक समेत उस पर बैठे चार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ट्रैक्टर की टक्कर से ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। घायल LIC ऑफिस के पास के रहने वाले ऋषु ने बताया कि वह बैंक के काम से बाजार जा रहा था, वहीं जख्मी वलीपुर की रहने वाली 17 वर्षीय चांदनी कुमारी कोचिंग में पढ़ाई करके ई रिक्शा से घर लौट रही थी। अन्य दो घायलों के नाम शंकर कुमार एवं चालक मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जावेद वाजिदपुर का रहने वाला है। मौके पर बाढ़ पुलिस पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। कैसे हुआ है? मार दिया ट्रैक्टर ले लिया, मैंने धक्का मार दिया सर। कहाँ का ट्रैक्टर वाला था? हम देखे भैया कहाँ का था सर। क्या ट्रैक्टर थे उसमें? पैसेंजर थे या चालक थे? हाँ पैसेंजर लोग की होते पैसेंजर लगा था। कितना पैसेंजर था? दो चार को पैसेंजर था सर, दो एक बार होता है तीन बचा था। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जावेद हुआ सर। घर? घर भाई माता तुम्हारा हवा हवाई तुम्हारा था। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? पहले बिहार के पास है बाइक को तो बोले सर ट्रक में जाके घुसा दिया है सर। हम लोग किधर से भाई, मतलब आप लोग किधर से आ रहे थे? सर मैं इधर से आ रहा था, मतलब इस साइड से स्टेशन तरफ से इधर जा रहे थे। स्टेशन से जा रहा था मैं 12 बजे सर, बैंक में काम था सर, प्लस हवा हो गया था जो जाके सीधा ट्रक में घुसा दिया सर। हम लोग कैसे हवा हवाई वाला घुसा दिया? यस सर, पूरा ट्रैक्टर में रफ टाइप चला रहा है सर, पूरा डेकिंग में रफ चला रहा था। यस सर। आप किस चीज? हम सर पीछे बैठे हुए हैं सर। हवा हवाई? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? रिशु। कहाँ घर है? LIC के पास, बाढ़ LIC के पास। और बाकी लोग का नाम जानते हैं? नहीं सर, किसी को नहीं जानता। रिशु कुमार कितना बरस है? 17 साल। 17 साल हो गए।